नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। डबरा से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां डबरा के सिविल अस्पताल की हाल बेहाल। जी हां, गर्मी में बिना पंखे के प्रसूता डली है। नवजात शिशुओं को भी हो रही परेशानी। रूम में नहीं है पंखे और एसी भी पड़े हैं बंद। अपना खुद का पंखा ला रहे परिजन। वहीं बच्चा होने के एवज में बाइयां मांग रही हैं परिजनों से पैसे। लड़के होने पर 2100 और लड़की होने पर 500 रुपए तक ले रही हैं। सीएमएचओ से पूछा सवाल तो बोले एक हफ्ते में व्यवस्था करेंगे दुरुस्त। क्या क्या नहीं है? चादर भी नहीं है। पंखा चल रहा है, वो किसका है? आप खुद लेके आई हो? तो यहाँ पर सुविधा नहीं है क्या पंखे की? सुविधा नहीं है, लाइट चली जाती है, बच्चे गर्मी में। छोटे छोटे बच्चे हैं, कई पता देखिए परेशानी होती होगी आपको। कल तो लाइट छोड़ी ही रही है, जाती आती जाती आती रहती। क्यों लेके आए हो आप पंखा? तो यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है क्या? नहीं, सुविधा तो कोई नहीं मिली। कूलर रखे हैं, रेगुलर बैठक थी, तो हमारी हर महीने समीक्षा बैठक रखते हैं, उसी संदर्भ में मीटिंग रखाई गई थी ब्लॉक में। हेलो। और अपनी समीक्षा बैठक जितने प्रोग्राम है उन सबकी समीक्षा की जा रही है। सर, क्या निर्देश दिए? मेन निर्देश तो ये था जो माननीय मुख्यमंत्री के डैशबोर्ड पे है, हमारा सबसे पहला प्रमुख दायित्व है। हम लोग मेहनत कर रहे हैं अपने जिले की IMR MMR को कम करने में, तो जो मेन है मेटरनल हेल्थ पे, उस पर हम लोग फोकस करते हुए कार्रवाई कर रहे हैं। सर, बिना लाइट की बैठक चलती रही? चलिए, कोई बात नहीं, तो व्यवस्था है, लाइट चली गई थी, तो जनरेटर की व्यवस्था नहीं है, वो कर रहे हैं। बाकी हमने इनको अभी निर्देश कर रहे हैं कि अगली बार जब बैठक रखी जाएगी तो उसको अच्छे वातावरण में रखी जाएगी।